संपूर्ण बंदी में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है तो वो है गरीब मजदूर और देश के अन्नदाता। मजदूर काम बंद होने के कारण दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो अन्नदाता बंपर पैदावार के बाद भी परेशान है। क्यों, रिपोर्ट देखिए। देश के अन्नदाता कभी सूखे को लेकर परेशान होते हैं तो कभी फसल की अच्छी पैदावार न होने के कारण, लेकिन अभी तो पैदावार अच्छी होने के बाद बिक्री न होने से परेशान है। हालात तो ये हो चुके हैं कि जिस फसल के लिए खेतों में खूब पसीना बहाया, आज उसी फसल को ये अन्नदाता पशुओं को खिलाने के लिए मजबूर हैं। जब अन्नदाता अपने मेहनत के पसीने से फसल की सिंचाई करता है तो पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन आज अन्नदाता फसल को बाजार में नहीं बेच पा रहे। आंध्र प्रदेश में इस बार टमाटर, मिर्च और केले की पैदावार तो अच्छी है, लेकिन उपज खरीदने के लिए अब खरीदार नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने अन्नदाताओं को सामान मंडी ले जाने की छूट जरूर की, लेकिन जब संपूर्ण बंदी में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो फिर फसल खरीदने भला मंडी में कौन आएगा। यही कारण है कि अब अन्नदाता कहीं फलों से लदे ट्रक को फेंकने को मजबूर हैं, तो कहीं टमाटर की पैदावार को मवेशियों के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार स्वास्थ्य हालात सुधारने में लगी है, ऐसे में किसानों की परेशानी कब तक और कैसे दूर होती है देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।